जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं चंडीगढ़, मैं हूँ और अभी भाई हैं, भाभी जी हैं और मम्मा हैं। और अभी हम हैं चंडीगढ़ की एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस पे, जो कि है रॉक गार्डन। चलिए आपको लेके चलते हैं वहाँ पर। और डेली हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। अभी आप देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर, फोटोग्राफर भी हैं, आप अगर फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं इनसे। और ये है यहाँ पर। चलिए अभी टिकट करवा लेते हैं अपना, उधर जाएंगे। अब यही ऊपर है पर टिकट, चलो मुझे भेज दिया टिकट करवाने के लिए, हालांकि खुद नहीं आया, मैं ब्लॉग बनाऊँ या टिकट करवाऊँ। तो चलिए गाइस करवा लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर बहुत लोग आए हैं, जगह काफ़ी अच्छी है। तो देखिए अभी भाई भी आ गए चश्मा डाल के, गले में चश्मा कैम। ये है टिकट, 120 रुपये लगे हैं। क्या बोला भाई, बोलो। ये सामने आप देखिए एंट्री है, और यहाँ पर हम टिकट दिखाएंगे और इस टिकट को फाड़ देंगे। यहाँ से देखिए शुरू हो जाता है हमारा सफ़र रॉक गार्डन में। कीप द गार्डन क्लीन, इट्स योर प्रॉपर्टी। ये हमारी प्रॉपर्टी है गाइस, हमारी अपनी। ये देखिए, और नेक चंद जी ने बनाया है रॉक गार्डन पूरा, तो उन्हीं को डेडिकेटेड है ये। देखिए बिल्कुल बेस्ट फ्रॉम वेस्ट का एग्जांपल है ये, बेस्ट एकदम। अभी भाई भी शूटिंग कर रहे हैं। इधर देखिए मम्मा जी, हेलो आया करो। हाय हमारे दर्शकों को। छोटी छोटी गुफाएं, चलिए आगे चलते हैं। अभी सबसे पहले आ गया कि झरना, आपको दिखाएंगे झरना। यहाँ पर देखिए घड़ों को जोड़ा गया है, और अंदर आपको दिखाएंगे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय पद्मश्री लेट निकचंद जी। ये आप देख सकते हैं अंदर। ये देखिए रास्ता है, ऐसा लगा जैसे पता नहीं कौन से जंगल में जा रहे हैं। यहाँ से जाएंगे आगे। और मैं बता दूं कि मैं सेकंड टाइम यहाँ पर विजिट कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी बिल्कुल ऐसा लगा जैसे पहली टाइम आ रहा हूँ। वही मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है यहाँ पर आके। आप देखिए यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊंगा। आ ही नहीं रहे मम्मा वगैरह, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी यहाँ पर एक झरना आएगा, उसकी मुझे पूरी याद है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक काफ़ी सुंदर सा वाटरफॉल है, और लोग यहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। ये छोटे छोटे तालाब बने हैं यहाँ पर, और ये आप देखिए बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पर आगे गाइस। इतनी अच्छी जगह छोड़ के, ये देखिए कहाँ पर फोटो शूट हो रहा है इनका, अब क्या ही कहें भाई। इधर आ जाओ, इधर इतनी अच्छी जगह है, वहाँ पर करिए। पर नहीं, चलिए छोड़िए इनको। क्या आप देख सकते हैं ऊपर कितने शानदार तरीके से घर बनाए हैं, पत्थर के घर। और बहुत लोग आए हैं यहाँ पर आज, मौसम भी काफ़ी बढ़िया है, ना ज़्यादा धूप है ना बारिश, एकदम परफेक्ट मौसम हो रखा है। आप देखिए जितना भी आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि ये लकड़ी है, लेकिन मैं बताऊं कि सारा सीमेंटेड है। ये अजंता केव्स में आपको लेके चलते हैं। ये देखिए अंधेरा अंधेरा रास्ता है, जो तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। चलिए अपने जो साथ में आए हमारी फैमिली, उनको पूछ लेते हैं कैसा मज़ा आ रहा है। कैसा, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी भाई कहाँ गए, अभी भाई क्या भाई, बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा। देखो कितना पानी पानी हुआ पड़ा है। पानी तो चलो खैर छोड़िए इसको, लेकिन अभी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे लेके चलेंगे, काफ़ी सारा है अभी वॉक करने के लिए। ये देखिए आप देख सकते हैं, पता नहीं कैसे पत्थर हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मार्बल टाइप लग रहा है कुछ, पता नहीं क्या है। तरह तरह के पत्थर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, संभल के चलना पड़ेगा, थोड़ी स्लिपरी है। यहाँ पर देखिए कुछ कारीगरी की गई है। अभी हम घूम रहे हैं इसको, और अब तक तो काफ़ी अच्छा लगा, अभी आगे देखते हैं। माइंड योर हेड गाइस, माइंड योर हेड, झुक के चलिए। ये रास्ते हमें कुछ और भी सिखाते हैं कि हमेशा ज़िंदगी में थोड़ा झुक के चलना चाहिए, नहीं तो कभी भी ठोकर लग सकती है।
चलिए ज्ञान की बातें बहुत हो गई है, आप थोड़ा व्यू देख लीजिए। मम्मा जी थक चुके हैं पूरी तरह से, ये भी थक ही चुके हैं वैसे। देखिए यहाँ से अभी हम आगे जाएंगे, तब तक आप ये व्यू देखिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप डॉल म्यूजियम फेज 3, और ये हमारा स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। हेलो ये मूर्तियाँ तो मुझे मेरे दोस्तों की याद दिलवा रही हैं, उनकी शक्ल भी बिल्कुल ऐसी ही है। ये आपको एक और शानदार चीज़ दिखाते हैं, ये देखिए बड़ा, उससे भी बड़ा झरना है। यहाँ पर कुछ योगी तपस्या कर रहे हैं, और एक तो भोलेनाथ जैसे लग रहे हैं जी। देख सकते हैं आप ऊपर कबूतर क्या आ गया, मेरे को दिख रहा है तो अच्छा ये है लोल। ये आप पेड़ देख रहे हैं, ये भी सीमेंट का बना है, पत्थरों का, और काफ़ी अच्छी जगह। अगर आप आना चाहते हैं तो सर्दियों में यहाँ पर आएँ, काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि गर्मी और बरसात में तो यहाँ पर आपका बुरा हाल हो जाएगा। हम भी थक चुके हैं अभी, चलिए अभी आगे है एक और सेक्शन है फेज 3, वहाँ चलें। पहुँच चुके हैं यहाँ के मेन सेक्शन में, मेन फेज में। यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, मैजिक मिरर्स हैं और प्लेग्राउंड है, झूले वगैरह हैं। फिलहाल यहाँ है जो मेन चीज़ है, ये हम जाएंगे अभी। ये देखिए राजा वजीर और उसकी सेना, ये राजा मुकुट वाला, ये वजीर है, ये सेनापति, ये स्पार्टन है। क्या 300 स्पार्टन्स हैं गाइस, मजाक आप इनसे लड़ना मत, नहीं तो हड्डियां तोड़ के रख देंगे। मोर भी हैं, देखिए मोर बनाए गए हैं चूड़ियों के, देखिए चूड़ियों के बनाए गए हैं, चूड़ियों के बारीकी वाला काम है भाई। पर तरह तरह की मछलियां आपको मिल जाएंगी उनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। ग्लोफिश, ये है ग्लोफिश, और ये तो खाली है, हॉर्स फिश है, ऑस्कर फिश है, ये देखिए ऑस्कर फिश, और ये है ऑस्कर फिश की टाइगर शार्क फिश, पता नहीं कौन सी है, यही होगी ब्लैक वाली। वो लेके चलते हैं फनी सेक्शन की ओर, मैजिक मिरर्स। ये देखिए बस मजी, देखिए हम छोटे हो गए हैं बौने। यहाँ पर मैं ज़्यादा लंबा हो गया हूँ, डबल। यहाँ पर मैं उल्टा सीधा हो गया हूँ, यहाँ मैं ग्रेट खली, द ग्रेट खली, द ग्रेट खली बन चुका हूँ मैं। यहाँ पर देखिए आप, ये वो यार, यहाँ पर मेरी टांगे बहुत लंबी हो चुकी हैं, ग्रेट खली से भी लंबी मेरी टांगे, और यहाँ पर मेरी टांगे छोटी हैं लेकिन सिर नहीं दिख रहा, जिराफ, मैं यहाँ जिराफ बन चुका हूँ गाइस। आपको दिखाते हैं डॉल म्यूजियम, ये देखिए बाहर की गर्मी से तो यहाँ पर अच्छा है, देखिए मिट्टी से बना है, ये लाइट्स लगी हैं, एसी भी है गाइस। मैं सच कहूँ तो इतनी शानदार खुशबू आ रही है इस मिट्टी की यहाँ पर, बहुत मज़ा आ रहा है सच में गाइस, बिल्कुल पूरा देखिए आप देख सकते हैं मिट्टी ही है, पुराने टाइप के घर जैसे होते हैं वैसा ही है पूरा, सारे इक्विपमेंट वैसे ही है। देखिए यहाँ पर बैलों के लिए जो हल था, ये हल है बैलों के लिए, और ये उनके गले पे लगाने के लिए मेरे का बनाया होगा। ओ माई गॉड ब्यूटीफुल भाई साहब, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर है पूरा म्यूज़ियम, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मिट्टी का बना हुआ, और पुराने ज़माने में जैसे घर होते थे वैसी ही है सारी चीज़ें। ये देखिए एक औरत घड़ा उठा रही है, और यहाँ पर बातचीत हो रही है, यहाँ पर ये देखिए चूड़ियाँ बेची जा रही हैं इनके द्वारा, और यहाँ पर ये ओखली में कुछ पीस रही हैं,
ये बंदे सबसे लकी हैं, इनको एसी मिला है यहाँ पर। यहाँ पर मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, कहीं ये मास्टर अभी भाई तो नहीं। एक फर्स्ट इम्प्रेशन जो मेरा था जब मैंने एंट्री करी, खासकर वहाँ से जहाँ पर ऊंट मैंने आपको दिखाया, वहाँ से अंदर तो एकदम अलग, पूरी ऐसा लगता है पूरी दुनिया अलग है यहाँ पर अंदर। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार। ये देखिए चरखा काता जा रहा है यहाँ पर, और ये भैंस है, ये दूध निकालने की कोशिश। ये देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कितना सुंदर है। ऊपर ना चढ़ें, नहीं तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता क्या है। हो सकता है यहाँ से दिखाऊँ, क्या है पता नहीं क्या है, लेकिन मैं ऊपर नहीं चढ़ा हूँ गाइस। रूल्स मैंने पूरे फॉलो किए हैं यहाँ पर। ये देखिए, वाह, बंदर ऊपर पेड़ पे। बहुत बंदे जो आते हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए, वो बाहर से ही देख लेते हैं कि अच्छा डॉल म्यूजियम है तो अंदर क्या ही हो सकता है, लेकिन आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। वो मम्मा वगैरह भी नहीं आए, मैं उनको बताऊंगा कि अंदर जाएं आप और एक बार देख के आएं, तब आपको जाके एहसास होगा कि आपने क्या मिस किया है। मतलब इतना शानदार ये दृश्य है। और मैं सेकेंड टाइम विजिट कर रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम इस म्यूज़ियम में आया हूँ और मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्पेशल आपके लिए आया मैं, वैसे मैं भी नहीं आने वाला था, लेकिन मैंने सोचा चलिए अपने व्यूअर्स को कुछ दिखाते हैं अच्छा सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना शानदार ये म्यूज़ियम है। और अब हम एग्जिट की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये देखिए हमें बाय बाय बोल रहे हैं यहाँ पर। बाय बाय। हेलो गाइस, हाँ तोड़ दो फोन भाई। नहीं नहीं, मैं भी जा रहा हूँ गाइस। ओ भाई साहब, एक तो मोबाइल पकड़ना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। मम्मा जी धक्का दो, चलिए अभी मैं एंजॉय कर लेता हूँ, फिर आपसे बाद में बात करते हैं। भैया झूला भी वो क्लिक ही नहीं हुआ था, दो धक्का पर झूलिया पर मान ही नहीं रहे हैं। बस जहाँ झूला देखा नहीं कि झूलना शुरू कर दिया। मुझे यहाँ पर ग्रेट खली के जिम का सामान मिला है, ये देखिए पूरा लोहे का है। ग्रेट खली उठा सकता है, बाकी कोई नहीं उठा सकता है यहाँ पे, ऐसा धोखा हो चुका है। वैसे हम घूम लिए सारा और एग्जिट यहाँ से थी, लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ बंद कर दिया गया है, और जिस रास्ते से हम आए थे वहीं से ही एग्जिट करनी पड़ेगी शायद। ऐसा लग रहा है, अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी चलना पड़ेगा। एक तो हालत नहीं है चलने की, भूख लगी है, फिर भी चलो देखते हैं जैसा मर्जी हो। तो काफ़ी मज़े कर लिए हमने, तो इतना ही था इस ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।